श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है। क्यों किया जाता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, इसके क्या फल हैं, सब बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले तो मैं बेल वृक्ष के नीचे आई हूँ मिट्टी लेने के लिए, जिससे मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगी। ध्यान से आप मिट्टी ले लें। आप जरूरी नहीं कि बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी हो, अगर बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी हो तो बहुत अच्छा, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी मिट्टी ले सकते हैं पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए। पर ध्यान रखिएगा, देखिए कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो आप जब भी लें, क्योंकि अभी सावन के महीने में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े केचुए आपको मिलेंगे, मैं तो बहुत सावधानी से ली हूँ, आप भी ले लें। अब हम चलेंगे घर, वहाँ पे मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगी। जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, एक बल्ब बेलपत्र दे आसन के रूप में। तो यहाँ बहुत सारे बेलपत्र हैं, मैं एक बेलपत्र भी ले लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको कैसे करते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। तो हम तैयार हैं पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए। सबसे पहले हम एक ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र खंडित ना हो। एक बेलपत्र लेंगे और उस बेलपत्र को हम आसन देंगे। भगवान शिव जी को हम आसन के तौर पे एक बेलपत्र देंगे। ये देखिए, मैं इस पे बेलपत्र रखी हूँ आसन के तौर पे, और इसको ये वाली जगह मैंने इसीलिए रखा है ताकि जब हम शिव जी का पूजन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, दूध जल समर्पित करेंगे, तो जो पानी है वो गिरेगा नहीं और शिव जी का अभिषेक पूजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस पे रख रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करते हैं। हमने जो मिट्टी लाई है, सबसे पहले तो इसमें से अगर जो कंकर होगा हम उन्हें चुन लेंगे। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि पार्थिव शिवलिंग जिनका निर्माण करने से, जितनी देर हम निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का, तो जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब भगवान भोलेनाथ हमारे भाग्य रेखा जो बिगड़ी हुई है उनको सुधार के अच्छा भाग्य का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें, हम जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें भगवान भोलेनाथ को याद करें और उनके नाम का स्मरण करते रहें। सबसे पहले हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, ऐसे जैसे आटे की लोई बनाते हैं ना गोल सी, फिर ऐसे ऐसे करते, तो हम फिर ऐसे चपटी सी बनाएंगे। उसके बाद बनाने के बाद थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताऊं कि शिवलिंग दो तरह की होती है। आपने देखा होगा एक डमरू के आकार की होती है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ छोटा सा। और जैसे ये एक है, एक ये वाली शिवलिंग आती है जिसमें ये जो गोल सा आप देख रहे हैं ये चारों तरफ गोल है, ये पार्वती माता का हस्त कमल है और इस पर ये शिवलिंग जी है। तो ये जो शिवलिंग उसमें स्थापित है तो ये जो शिवलिंग है इसको कहते हैं सती शिवलिंग। इस तरह की जो शिवलिंग होती है उनकी पूजा बैठे बैठे होती है, ये ज़मीन के साथ सीधी जुड़ी हुई होती है, डायरेक्ट ज़मीन के साथ, इसके ऊपर किसी तरह का कोई स्टैंड वगैरह या कुछ भी नहीं है, ये सीधे सीधे ऐसे ही पार्वती माता का हस्त कमल है और उसके ऊपर शिवलिंग है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं सब ऐसे ही सती शिवलिंग है, केवल एक जो है नागेश्वर वो हरिहर शिवलिंग है। हरिहर शिवलिंग कैसे होते मैं वो आपको बताती हूँ। हरिहर शिवलिंग में
शिव जी का, पार्वती माता का जो हस्तकमल है उसके नीचे डमरू का एक भाग होता है, डमरू के आकार का एक भाग होता है। जैसे आप कहीं मंदिर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि इस तरह के आकार का, या फिर अगर आपके घर पे भी जब हम लोग पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग रहता है तो वो भी इस तरह का रहता है। ये देखिए, ये नीचे भी एक गोल सा रहेगा जिसके ऊपर ये पार्वती माता का हस्तकमल होता है। तो जब वो ऐसे स्टैंड वाली होती है, ये देखिए जैसे ये स्टैंड वाली है, तो इसकी पूजा मतलब ये भोलेनाथ की पूजा हमेशा खड़े खड़े की जाती है, बैठ के पूजा इनकी नहीं की जाती है। तो जब हम घर पे पूजा करेंगे पार्थिव शिवलिंग का तो हम बैठे बैठे ही करेंगे, तो जब हम बैठे बैठे करेंगे तो हम ये वाले स्टैंड नहीं लगाएंगे। हम भोलेनाथ का निर्माण जब करेंगे पार्थिव शिवलिंग का, मिट्टी से जब निर्माण करेंगे, तो हम ऐसे ही सती शिवलिंग का निर्माण करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो हमने पार्वती माता का हस्तकमल बना लिया है, ठीक है, और इनको मैं आसन पे रख रही हूँ। ये देखिए, आप देखिए, अच्छे से देख लीजिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, धीरे धीरे साइड साइड जो है अच्छे से प्रेस कर दीजिए, हल्का हल्का, ऐसे ही, ऐसे लग रहे से ठिकुआ है। वेल, ये हमने पार्वती माता का हस्तकमल जो है, हमने आसन जो हमने बेलपत्र का दिया है, हमने उस पर रखा, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं घर पे, तो ध्यान रखें कि वो हमारी एक अंगुष्ठ के बराबर हो। एक अंगुष्ठ से बड़ा शिवलिंग का निर्माण घर पे करना निषेध है। बाहर पे आप मंदिर में कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो कर सकते हैं बड़ा, लेकिन जब हम घर पे करें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो एक अंगुष्ठ के बराबर ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं हो। हमने थोड़ा सा मिट्टी लिया और हम उन्हें अच्छे से एक अंगुष्ठ के बराबर, मैं मेज़र कर ले रही हूँ, आप भी नाप लें, और हमारे भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं धरती पर आने के लिए। कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से हमारी जो भी मनोकामना होती है ना, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, और हमारी बिगड़ी हुई जो तकदीर है वो भी सुधर जाती है, संवर जाती है। तो ऐसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। देखिए, हमने थोड़ा सा लिया था मिट्टी और उसमें हमने ऐसे शंभु जी के आकार का, शिवलिंग के आकार का लिंगाकार, और अब हम आपको दिखाएंगे ये जो हमने आसन दिया है, हमने इसमें स्थापित कर दिया ये भोलेनाथ को। अब भी बहुत आसान तरीका है, आप आराम से कर सकते हैं। जब आप करें तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें, या ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय, या भोलेनाथ का भजन गाते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप चाहें तो आप सर्प का निर्माण कर सकते हैं भोलेनाथ के गले पे। अब थोड़ा सा मिट्टी लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लेंगे तो फिर सर नागराज शेष ना, वो भी बहुत मोटे छोटे हो जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा ही लिया है, ये देखिए, और अब हम ये भोलेनाथ को निगोदी पे रखा। देखिए, ये हमने भोलेनाथ का कर दिया शेषनाग को भी लगा दिया। आप चाहे तो शेषनाग दे भी सकते हैं और बिना शेषनाग के भी कर सकते हैं। अब बारी है, हम थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे। ऐसे भोलेनाथ तो है ही, उनसे सुंदर कौन हो सकता है, पर फिर भी थोड़ा सा चिकना करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, एक लोटे से थोड़ा सा थोड़ा पानी लेके साइड साइड, और ये वाले जो लास्ट में इधर से जहाँ से पानी गिरेगा उसको दोनों उंगली से दबा देंगे थोड़ा सा, और अब हमारा पार्थिव शिवलिंग तैयार है। तो श्रावण में कोशिश करें, पूरे महीने में अगर आप
जितना बना सकते हैं पार्थिव शिवलिंग उतना अच्छा, नहीं तो कम से कम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें श्रावण के महीने में। ऐसे तो वर्ष भर में आपको जितना निर्माण कर सकते हैं, 12 महीने में अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग कर लें ये तो बहुत ही अच्छा है, या तो आप श्रावण में ही 12 ज्योतिर्लिंग कर लीजिए। कि भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है, आप जो भी मनोकामना करेंगे वो एक हफ्ते के अंदर ही पूरी हो जाएगी। मेरा तो हो गया था, मैंने बोला था कि मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो मेरा चैनल एक हफ्ते के मतलब अंदर ही मोनेटाइज मीन्स विद इन सब्सक्राइबर एंड वॉच आवर सब कुछ इतना जल्दी, मतलब एक वीक के अंदर ही, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, तो इतना ज़्यादा महत्व है। तो आप भी निर्माण करें, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भोलेनाथ। और हाँ, सबसे प्यारी बात, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आप उनका एक नाम अवश्य रखें। ऐसे तो महादेव हैं ही, लेकिन जैसे आपको कुछ भी नाम रखना है उनका, उनके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम है, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग जैसे सौराष्ट्र सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकार में ममलेश्वर हैं, प्रियलम वैद्यनाथम वैद्यनाथ जी हैं, भीमाशंकर हैं, रामेश्वरम हैं। मैं इनका नाम रख रही हूँ नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव का ये जो नाम है ना नीलकंठेश्वर, इस नाम से अगर हम भोलेनाथ को जल भी समर्पित करते हैं ना तो हमारे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और इतनी सुंदर नीलकंठेश्वर महादेव का श्रृंगार पूजन अभिषेक कैसे करना है मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करते हैं, कैसे उनका श्रृंगार करेंगे, कैसे अभिषेक करेंगे, और फिर विसर्जन कैसे करेंगे, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के साथ साथ उनका विसर्जन करना भी अति आवश्यक है। जैसे अगर आपने किसी मेहमान को घर पे बुलाया तो उनकी खातिरदारी अच्छे से की, लेकिन अगर आपने उनकी विदाई अच्छे से नहीं की तो फिर वो दुखी हो जाएंगे। तो खातिरदारी भी करें, विदाई भी करें। और भोलेनाथ के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कोई एकदम से बहुत तामझाम वाला, नहीं नहीं, आप घर पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। विसर्जन आपको करने के लिए अगर सामने अगर आपके पास तालाब है नदी है तो आप जाएं, और अगर नहीं है तो आप एक बाल्टी में पानी ले लें और शिव जी को उसी स्तर करते हुए पानी में डाल दें, ताकि शिव जी वापस अपने मतलब मिट्टी से बने हुए और मिट्टी में ही मिल जाना है हम इंसान को। और भोलेनाथ तो कण कण में है, हर कंकर में शंकर है, तो शंकर जी अपने कण कण के में जो शंकर हैं अपने रूप में मिल जाएंगे वापस से। तो आप किसी बाल्टी में उन्हें इस तरह से विसर्जित कर दें और उसके बाद वो पानी आप किसी गमले में डाल दें। हाँ, लेकिन ध्यान रखें तुलसी के वृक्ष के नीचे बिल्कुल भी नहीं डालना है, तुलसी के वृक्ष में न डालें, आप किसी और पेड़ पौधे फूल हैं उनके नीचे डाल दें। तो आपको घर पे आप ये श्रावण के महीने में आप एक दिन अवश्य घर पे बनाएं, पूजन करें, फिर घर पे ही विसर्जन कर दें और भोलेनाथ आपकी मनोकामना भी पूरी कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप मंदिर अवश्य जाएँ, मंदिर तो जाना ही है, लेकिन कोशिश करें कि एक दिन भगवान भोलेनाथ को भी पार्थिव शिवलिंग के रूप में अपने घर पे अवश्य बुलाएं। जब भगवान भोलेनाथ आपके घर पे पधारेंगे तो घर की काया ही पलट जाएगी, घर और आपका जीवन दोनों ही सुंदर व सुखमय हो जाएगा। ऐसे ही और भी धार्मिक और सुंदर सुंदर रोचक रहस्यमय भगवान भोलेनाथ और हमारे देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी प्रभु प्रेमी भक्त प्रेमी को भगवान भोलेनाथ से जुड़ने का अवसर मिले और आपको भी पुण्य प्राप्त हो। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, पार्थिव शिवलिंग के पूजन विधि के बारे में बताऊँगी।